बार धमाका, बड़ा धमाके की कोशिश। और जी हाँ, बड़ा धमाका होगा। और बोल जा रही है, बार भी बोल लेकर तैयार इस मुकाबले की। शानदार छक्का और आज का सबसे पर 5 छक्के की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। काफी अच्छी बॉल, फील्डर है उसके नीचे एक बार फिर। और जी हाँ, एक और विकेट गिरता हुआ सोहिल चिड़ा। और एक और मुकाबला, इस टीम का मुकाबला चलता हुआ सोहिल फिरोम चिड़ावक गुलाब टी वर्सेज बिन्नू फिरोम बुलंदशहर के बीच। 10 ओवर में 174 रन, 11,000 रुपये की स्कीम, 6 विकेट और 5 फील्डर। ये मुकाबला मऊखेड़ा फाटक बुलंदशहर में खेला जाता हुआ। और पहली बॉल करेंगे बिन्नू, तैयार है सोहिल चिड़ावक पहली बॉल स्कीम की। और काफी अच्छी बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, नहीं जाएगी, पहली बॉल हो जाएगी डॉट। लिंकन पार्क, काफी लंबे लिंकन पार्क। दूसरी बॉल तैयार, बिन्नू राउंड द विकेट। और काफी अच्छा शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, काफी लंबा छक्का सोहिल चिड़ावक फ्रॉम गुलाबटी द्वारा। तीसरी बॉल छक्के के बाद फिर तैयार, राउंड द विकेट। बिन्नू क्या कर पाएंगे कमाल। और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, अंकित नहीं बॉल को रोक पाएंगे, वन बाउंस बाउंड्री के बाहर। शानदार चौका, फिर तैयार चौथी बॉल, क्या कर पाएंगे इस बार डॉट। बिन्नू फिर बुलंदशहर, चौथी बॉल और बॉल हो जाएगी वाइड। फिर तैयार और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, अभिषेक फिर बुलंदशहर बॉल को पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे और बॉल छूट जाएगी कैच। शानदार गेंदबाजी बिन्नू द्वारा के बाद, दर्शकों में फिक्सर का आरोप लगता हुआ, कैच छूट चुकी है और दर्शक कहते हुए फिक्सर हैं, दर्शकों को मजा चाहिए, कैच छूटे या कैच ले ले। फिर तैयार, छूटने के बाद ये भी बॉल हो जाएगी वाइड। फिर तैयार वाइड के बाद फुल टॉस बॉल, सही ठिकाने पर जाके बॉल जाएगी और पेड़ में लग कर रुक जाएगी, ये भी बॉल हो जाएगी डॉट, माफ कीजिए ये बॉल हो जाएगी डेड। उसके बाद फिर तैयार बिन्नू, काफी अच्छी बॉल, उसके नीचे है बिन्नू, कोट एंड बॉल का चांस, क्या कर पाएंगे कैच, एक और कैच हो जाएगी ड्रॉप। शानदार गेंदबाजी तो कर रहे हैं लेकिन फील्डिंग कमाल नहीं कर पा रहे हैं, कैच छूट चुकी है। शिवम, शिवम घोड़ी वाले को भी चीता ही कह देते। और दो इस मुकाबले में कैच छूट चुकी है, शानदार गेंदबाजी तो कर रहे हैं लेकिन कमाल कैच नहीं ले पा रहे। तैयार टॉस बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का सोहिल चिड़ावक फिर गुलाबटी को चीता ही कह देते हैं। फिर तैयार छक्के के बाद, काफी अच्छी बॉल, वापसी करते हुए बिन्नू, शानदार एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए और बॉल को फील्ड कर लेंगे अभिषेक। डॉट बॉल के बाद फिर तैयार, क्या होगा इस बार धमाका, बड़ा धमाके की कोशिश। और जी हाँ, बड़ा धमाका होगा और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का सोहिल चिड़ावक द्वारा। छक्के के बाद फिर तैयार बिन्नू, बिन्नू बलराम, बिन्नू विनीत चौधरी फिर तैयार, ये हो जाएगी नो बॉल। नो बॉल के बाद तैयार बिन्नू, क्या कर पाएंगे कमाल या फिर सोहिल चिड़ावक लगा देंगे एक और चौका। बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, शानदार चौका सोहिल चिड़ावक द्वारा। दूसरे ओवर की चौथी बॉल लेकर तैयार बिन्नू, राउंड द विकेट। चौके के बाद फुल टॉस बॉल थी, बॉल जाएगी बाउंड्री की तरफ, अंकित बॉल को फील्ड कर लेंगे आसानी से और ये बॉल हो जाएगी डॉट। 10 बॉलों पर स्कोर हो जाएगा 26 रन। 11वीं बॉल के लिए तैयार हैं सोहिल चिड़ावक। बिन्नू फिर तैयार, गेहूं वाले एंड से बॉलिंग करते हुए, एक ही एंड यहां पर चलता है और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का सोहिल चिड़ावक फिर गुलाबटी को चीता ही कह देते हैं। 12वीं बॉल लेकर तैयार इस मुकाबले की, शानदार छक्का और आज का सबसे लंबा छक्का सोहिल चिड़ावक फ्रॉम गुलाबटी को चीता ही कह देते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो जाएगा 38 रन बिना विकेट के नुकसान पर। शानदार बल्लेबाजी करते हुए सोहिल, फिर भी बॉल इस मुकाबले की और एक और छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का सोहिल चिड़ावक द्वारा। के बाद काफी अच्छी बॉल, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, कीपर हटाकर फील्डिंग करते हुए लेग स्टंप की तरफ भेज दिया है फील्डर को। और बिन्नू 44 रन हो चुके हैं 13 बॉलों पर, 14वीं बॉल इस मुकाबले की और ये भी बॉल हो जाएगी वाइड। और फिर एक बार राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे बिन्नू, हल्के हल्के कदमों के साथ। और काफी अच्छी बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, रुक जाएगी बॉल और ये बॉल हो जाएगी डॉट। 15वीं बॉल मुकाबले की, बिन्नू 44 रन हो चुका है स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर। सोहिल चिड़ावक काफी अच्छी बॉल, यॉर्कर बॉल, सामने फील्डर बाहुबली बॉल को रोक लेंगे, बॉल हो जाएगी डॉट।
सोलवी बॉल मुकाबले की तैयार, फिर क्या लंबा हिट लगेगा? जी हाँ जरूर लगेगा, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का। बोले बोलो पर स्कोर हो चुका है 50 रन। सत्र भी वो लेकर तैयार, बिन्नू काफी बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है, 174 रन 10 ओवर में। और एक और शॉट, काफी अच्छा शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का। सोहिल चिडावक फ्रॉम गुलाबटी को चीता ही कह देते हैं, काफी युवा बल्लेबाज सोहिल चिडावक, फिर तैयार अंतिम बॉल 18वीं बॉल इस मुकाबले की। और बॉलर जब बॉल जा रही बाउंड्री की तरफ, फील्डर है मौजूद ऋषभ, कैच ऑफ द डे, ऋषभ फ्रॉम बुलंद शहर को भी चीता ही कह देते हैं, कैच ऑफ द डे। 18 बॉलों की समाप्ति के बाद स्कोर 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर, शानदार कैच ऋषभ द्वारा। 19वीं बॉल लेकर तैयार, फिर बिन्नू, और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, सामने है फील्डर मौजूद, देखेंगे क्या होगा, बॉल जा रही है, फील्डर उसके नीचे है, और कैच छोड़ देंगे, और शानदार छक्का, कैच छोड़ो और मैच छोड़ो इसका इंतजाम भुगते, और शानदार छक्का। 20वीं बॉल तैयार है इस मुकाबले की, बिन्नू काफी अच्छी बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, ऋषभ बॉल को रोक लेंगे, काफी शानदार फील्डिंग कर कर कैच लिए। और अब आ चुके हैं मुकर्रम मेवाती चिडावक गुलाबटी दादरी वाले, और अपने भाई लुकमान चिडावक फिरोम गुलाबटी को भी चीता ही कह देते हैं मुकाबले में आते हुए, मुकाबले और सोहिल चिडावक का हौसला अफजाई करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर। फिर तैयार बिन्नू मुकाबले की 21वीं बॉल लेकर, और शानदार शॉट, उसके नीचे फील्डर मौजूद, नहीं कुछ कर पाएगा, और एक और छक्का। फिर तैयार छक्के के बाद सोहिल चिडावक के लिए बिन्नू, शानदार बॉल, क्या बॉल को रोक पाएंगे? जी हाँ, शानदार फील्डिंग वहां पर, शानदार फील्ड, और चौके को रोक लिया। फिर तैयार बिन्नू भी कर देंगे कमाल, या हो जाएंगे बबाल, और शानदार शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का सोहिल चिडावक फ्रॉम गुलाबटी। 24वीं बॉल इस मुकाबले की, और स्कोर हो चुका है 74 रन। बिन्नू शानदार शॉट, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन, शानदार छक्का, सोहिल चिडावक फ्रॉम गुलाबटी को चीता ही कह देते हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर सोहिल चिडावक फ्रॉम गुलाबटी का स्कोर 80 रन हो चुका है, मात्र 94 रन की और 96 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। तैयार 25वीं बॉल इस मुकाबले की, और शानदार छक्का, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का। रम्मेवाती जो कि काफी खतरनाक बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन कल कुछ कमाल नहीं कर पाए, का टीम में नहीं था 11वें नाम। फिर तैयार 26वीं बॉल, और फील्डर है वहां पर अलाउद्दीन का, चिराग बॉल को रोक लेंगे, और जी हाँ रोक लेंगे। 27वीं बॉल लेकर तैयार बिन्नू, 86 रन हो चुका है स्कोर, और धूप निकलती हुई थोड़ा धीरे धीरे, गर्मी का माहौल, फुल टॉस बॉल थी, सामने है फील्डर बाइक, बॉल को रोक लेगी, ये बॉल हो जाएगी डॉट, अलाउद्दीन का चिराग रोक लेगा बॉल को, डॉट बॉल। 28वीं बॉल करेंगे मुकाबले की, 86 रन हो चुका है, धूप अभी निकली थी ज्यादा, फिर धूप कम होती हुई, दर्शक मैदान छोड़कर पेड़ की तरफ जाते हुए। फिर तैयार, और काफी अच्छी बॉल थी, लेकिन बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, पीछे की तरफ, क्या हो पाएगा चौका, बॉल उपले में जाकर रुक जाएगी, और ये बॉल हो जाएगी डॉट। मुकाबले में दो और बल्लेबाज बॉलर भी देखने को मिलते हुए, और ये बॉल हो जाएगी डॉट। बाउंड्री के ऊपर मुकाबले में विवाद होता हुआ, दर्शक वहां पर पहुंच चुके हैं, ये मुकर्रम जहां भी आता है वहीं छा जाता है, और मुकाबले को रुकवाता हुआ, बाउंड्री के ऊपर विवाद चलता हुआ, इस महामुकाबले में, स्कीम का महामुकाबला, बाउंड्री के ऊपर होता हुआ विवाद, क्या कहेंगे इसके बारे में मुकर्रम, ये जहां भी आता है वहीं छा जाता है। देखो भाई, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सभी दर्शकों से, ये चौका है पर बाकी बिनु दे नहीं रहा इस चौके की। और वीडियो को पूरा से पूरा देखें, क्रिकेट विद माइकल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हो तो फॉलो कर लें, और इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो कर लें, क्रिकेट विद माइकल, एक से एक बड़ा प्लेयर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, प्लेयर छोटा हो या बड़ा, प्लेयर होता है छोटे से ही तो बड़ा होता है, और प्लेयर प्लेयर होता है। एक और मुकाबला बीच में चलता हुआ ग्राउंड पर, और ये भी बॉल हो जाएगी डॉट। काफी लंबे विवाद के बाद मुकाबला फिर होता हुआ शुरू, फिर तैयार है, लंबे विवाद के बाद मुकाबला होता हुआ शुरू, और फिर मुकाबला तैयार काफी समय के बाद। 29वीं बॉल इस मुकाबले की, स्कोर 86 रन, और शानदार छक्का सोहिल चिडावक द्वारा। और 30वीं बॉल, और ये बॉल हो जाएगी वाइड, और शानदार गेंदबाजी, फील्डर मौजूद ऋषभ, और 5 ओवर हो जाएंगे समाप्त, स्कोर हो जाएगा 92 रन।
82 रन की जरूरत 5 ओवर में और 5 विकेट हाथ में, फिर तैयार। मुकाबला 92 रन हो चुके हैं 5 ओवर में और 82 रन की जरूरत, पिन्नो फिर तैयार और काफी अच्छी बॉल, बॉल हो जाएगी डॉट। 32वीं बॉल इस मुकाबले की तैयार है बिन्नो, फुल टॉस बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का। 98 रन हो चुका है स्कोर, 33वीं बॉल इस मुकाबले की और एक और छक्का, शानदार शॉट। सोहेल चिलावक फ्रॉम गुलाबटी को भी चीता ही कह देते हैं और 104 रन हो चुके हैं। 34वीं बॉल करेंगे इस मुकाबले की बिन्नू, 104 रन हो चुके, मात्र 70 रन की जरूरत, 27 बॉलों पर फिर तैयार और काफी अच्छी बॉल। अभिषेक बॉल को रोक पाएंगे या नहीं, और जी हाँ रोक लेंगे, बॉल हो जाएगी डॉट। 35वीं बॉल, काफी गर्मा गर्म मुकाबला और काफी अच्छा शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन, बिन्नू अंदर और बॉल बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का। 36वीं बॉल इस मुकाबले की, क्या एक और शॉट देखने को मिलेगा, ये बॉल हो जाएगी वाइड। 36वीं बॉल इस मुकाबले की वाइड के बाद, 110 रन हो चुके हैं, शानदार शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का, एक और छक्का सोहेल चिड़ावक फ्रॉम गुलाबटी द्वारा। 36वीं बॉल इस मुकाबले की, काफी अच्छी बॉल थी, लो ओवर करती, बॉल हो जाएगी डॉट। अभिषेक बॉल को रोक लेंगे, स्कोर 138वीं बॉल, 116 रन हो चुका है स्कोर, एक विकेट हुआ है अभी तक और शानदार शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का, सोहेल चिड़ावक गुलाबटी को भी चीता ही कह देते हैं। एक और फुल टॉस सामने है फील्डर, बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का सोहेल द्वारा। 40वीं बॉल इस मुकाबले की, स्कोर 128, शानदार बॉल सामने है फील्डर मौजूद, बॉल को फील्ड कर लेंगे। 40 बॉल की समाप्ति के बाद स्कोर 128 रन, 20 बॉलों पर 46 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए, 5 विकेट हाथ में है सोहेल, फिर तैयार, राउंड द विकेट, वाइड बॉल, वाइड के बाद 41वीं बॉल इस मुकाबले की, क्या वापसी कर पाएंगे बिन्नू, शानदार गेंदबाजी, ब्लॉक होल में यॉर्कर, डॉट बॉल। 42वीं बॉल करेंगे बिन्नू, 7वां ओवर अंतिम बॉल, 42वीं बॉल और काफी अच्छी बॉल, बॉल जा रही थी बाउंड्री की तरफ, नहीं जाएगी, बॉल हो जाएगी डॉट। 7 ओवर में 128 रन हो चुका है स्कोर और अब 3 ओवर में 46 रन की जरूरत और 5 विकेट हाथ में, क्या वापसी कर पाएंगे बिन्नू, एक ओवर और जो अच्छा करते हैं तो मुकाबले में उलटफेर होने को मिल सकता है। 43वीं बॉल लेकर तैयार और काफी अच्छी बॉल थी, बॉल बाउंड्री की तरफ जाएगी या नहीं, और ये भी बॉल हो जाएगी डॉट, पीछे जाके बॉल रुक जाएगी, डॉट बॉल। 44वीं बॉल और 46 रन की जरूरत, वाइड बॉल और कितनी बॉल होगी, 44 बॉल हो चुकी है और ये 45वीं बॉल, शानदार गेंदबाजी बिन्नू द्वारा, स्कोर अभी 128 ही है, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 4 रन, मिस फील्डिंग का प्रदर्शन। 46वीं बॉल इस मुकाबले की, स्कोर हो चुका है 132 रन, काफी अच्छी बॉल बिन्नू द्वारा, यॉर्कर बॉल, बॉल हो जाएगी डॉट, शानदार गेंदबाजी बिन्नू द्वारा। 47वीं बॉल करेंगे बिन्नू, 42 रन की जरूरत, 14 बॉलों पर 47वीं बॉल करते हुए, काफी अच्छी बॉल और उससे भी बेहतर छक्का, शानदार छक्का, स्कोर हो जाएगा 138 रन और 13 बॉल बाकी। 48वीं बॉल इस मुकाबले की, काफी अच्छी बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, नहीं होगी, बॉल हो जाएगी दौड़। 48 बॉलों पर स्कोर 138 रन, एक विकेट के नुकसान पर, शानदार बल्लेबाजी करते हुए सोहेल चिड़ावक फ्रॉम गुलाबटी। 12 बॉलों पर 36 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए, 12 बॉलों पर 36 रन, वाइड के बाद फिर तैयार, 12 बॉलों पर 36, मतलब 6 छक्कों की जरूरत और विकेट तो काफी ज्यादा, 5 विकेट हाथ में है और काफी अच्छी बॉल बिन्नू द्वारा, उसके पीछे आएंगे ऋषभ और बॉल हो जाएगी डॉट। और दर्शक जो कि बॉलिंग टीम काफी ज्यादा खुश लगती हुई, काफी ज्यादा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता हुआ, एक तरफा मुकाबला लग रहा था, 11 बॉलों पर 6 छक्कों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए और 50वीं बॉल इस मुकाबले की हो जाएगी वाइड। 50वीं बॉल इस मुकाबले की, गर्मा नरम मुकाबला होता हुआ, उतार चढ़ाव से भरपूर मुकाबला, 50वीं बॉल और फुल टॉस बॉल, इसका तो वही अंजाम होगा जो बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन, 10 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत मैच को जीतने के लिए, काफी अच्छी बॉल सामने है फील्डर ऋषभ
और एक और बार शानदार कैच ऋषभ द्वारा दूसरा विकेट गिरता हुआ। शानदार गेंदबाजी बिन्नू द्वारा, काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए, चीता ही कह देते बिन्नू फ्रॉम बुलंदशहर को। 9 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत, 52 भी बॉल इस मुकाबले की, काफी अच्छी बॉल और पोल हो जाएगी वाइड। एक्सपीरियंस झोंकते हुए बिन्नू अपना, और 52 भी बॉल, काफी अच्छी बॉल। ये एक्सपीरियंस कोई घूम फिर के नहीं आता है, मैदान में पसीना बहाने से आता है। और शानदार गेंदबाजी करते हुए बिन्नू को भी चीता ही कह देते हैं। और 8 बॉलों पर अब 5 छक्के की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए, 4 विकेट हाथ में है और 53 भी बोल करेंगे इस मुकाबले की। बिन्नू फिर राउंड द विकेट, पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए इस मुकाबले में अपना, तैयार फिर, काफी अच्छी बॉल, एक्सपीरियंस झोंकते हुए अपना बिन्नू, शानदार गेंदबाजी बिन्नू द्वारा। 7 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए, काफी अच्छी बॉल, फील्डर है उसके नीचे एक बार फिर, और जी हाँ एक और विकेट गिरता हुआ सोहिल चिडावक का। शानदार गेंदबाजी बिन्नू फ्रॉम बुलंदशहर को भी चीता ही कह देते हैं। 6 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत, जो कि 12 बॉलों पर 6 छक्के की जरूरत थी, और लगातार 5 बॉल डॉट कर दी बिन्नू ने, और मुकाबला 6 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत, काफी अच्छी बॉल बिन्नू द्वारा, फील्डर है वहां पर अलादीन का चिराग, बॉल को रोक लेंगे और ये बॉल हो जाएगी डॉट। शानदार गेंदबाजी बिन्नू द्वारा, 56 भी बॉल और 5 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत, और काफी अच्छी बॉल, और इसी के साथ बिन्नू फ्रॉम बुलंदशहर को भी चीता ही कह देते, और शानदार वापसी कर मुकाबले का रुख बदल दिया, और अभी भी मुकाबला होगा। 4 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए, 4 बॉलों पर 5 छक्के की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। ये मेहनत कर कर ये एक्सपीरियंस आता है, ये कोई फ्री में घूम के नहीं एक्सपीरियंस आता है। और इसी के साथ मुकाबला हो जाएगा समाप्त। 5 छक्के पहले मुकाबले को हार चुके हैं सोहिल चिडावक। एक समय तो लग रहा था काफी आसान मुकाबला था, शानदार गेंदबाजी करिए बिन्नू फ्रॉम बुलंदशहर को भी चीता ही कह देते हैं, शानदार गेंदबाजी, और मुकाबले को वापसी करते हुए और मुकाबला जीत लिया। शानदार गेंदबाजी बिन्नू फ्रॉम बुलंदशहर को चीता ही कह देते। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए हो तो, और फेसबुक पर हो तो फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो कर ले क्रिकेट विद माइकल। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करें। मुकाबला हो चुका है समाप्त।